They have asked me to speak in Hindi language. I think you people will excuse me. Later on, I'll explain to you what I said in short. Today we are standing at a point which we can call as a dividing line between materialism and spirituality. I'm going to speak on that subject in Hindi language. आज के दुनिया के अनेक प्रकार के संघर्ष हम लोगों के सामने हैं और उन संघर्षों को देखते हुए हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि क्या ये सृष्टि और ये मानव जाति पूर्णतया सर्वनाश हो जाएगी, ऐसा विचार करो। और ये विचार आना बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं हर तरह की आपत्तियां आ रही हैं। आपके महाराष्ट्र में ही इतना बड़ा भूकंप हो गया, लोग उस भूकंप से भी काफी घबरा गए। पर 3 साल मैं लगातार पुणे में पब्लिक मीटिंग में कहती रही कि गणेश जी के सामने जाके शराब पीते हैं और ये गंदा डांस करते हैं और बहुत बेहूदे तरीके से उनके सामने पेश आते हैं। पर गणपति ये बहुत जाज्वल्यवान देवता है, बहुत जाज्वल्यवान, और उनको ऐसी गलत सलत चीजें चलती नहीं। पता नहीं 3 साल उन्होंने कैसे टॉलरेट किया। और मैंने साफ कहा था कि ऐसा करोगे तो महाराष्ट्र में भूकंप आएगा, साफ भूकंप शब्द मैंने कहा। लेकिन कोई सुनता थोड़ी है, वो डिस्को विस्को क्या गंदी चीजें हैं वो ले करके वहां डांस करते हैं। शराब तो इतनी महाराष्ट्र में आ गई जिसकी कोई हद है। तो अब 2 तरह की जनता स्थापित हो रही मैं देख रही हूँ, एक शराबी कबाबी और बिल्कुल ब्लिच, और दूसरी एक शुद्ध पवित्र ऐसी सहज कम्युनिटी। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है और अपने बच्चों को एक शुद्ध वातावरण देना है तो उनको जितना हो सके सहज में उतारे और आप भी सहज में उतरे। सहज की अनेक उपलब्धियां हैं, इसके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन आप आश्चर्य करें कि हर रोज मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे पत्र आते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि किस कदर उनकी जो परेशानियां थी वो साफ हो, जो तकलीफें थी वो ठीक हो, कैसे उनके बच्चे ठीक हो, कैसे एक्सीडेंट में पढ़ते पढ़ते कैसे बच गए, हर एक तरह की बातें लिख के भेजते। और एक नहीं दो नहीं, आप सोचिए कि रोज के 10-12 खत आते हैं और 30 दिन तक चलते ही रहता लगातार। तो अब मैंने कहा कि ये तो कुछ बता देखा कोई मतलब सिलसिला ही नहीं बन सकता, क्योंकि इतने सारे उसके बारे में कैसे बताए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि सहयोगियों को जो आज लाभ हुआ है वो औरों को भी होना चाहिए, और भी इसे प्राप्त करें और भी इसमें आ जाए। अब ये होता है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा जड़वादी है और उन्होंने बहुत सारी खराबियां लाई। अब धीरे धीरे एक एक को करके हमने कहा अच्छा आप चले जाइए, ये कर लीजिए, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए जिससे सहज योग का जो कुछ भी ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर जो भी कुछ हम लोगों ने ये एक समाज तैयार किया है उसको देख करके लोग कहें कि ये कौन आ गए, ये तो कोई देवदूत दिखाई देते, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन अभी अगर आप अपनी जो पुरानी आते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे कि आम दुनिया के लोग बर्ताव करते हैं तो आप पे किसको विश्वास नहीं होगा। अब सबसे बड़ी चीज जो हमारे ऊपर जो एक छा रही है हिंदुस्तान वो है जड़वाद, मटेरियलिज्म, वो आ रहा है प्रदेश। प्रदेश के लोगों को क्या मिला है जाके पूछिए, इतने बेवकूफ लोग हैं, महा बेवकूफ है वो। उनका वो पैसा जो कमाते हैं उसको करते क्या। पहले जमाने में जब हम लोग यंग थे तो हमने देखा जिसके पास पैसा हो जाता था वो कोई ना कोई सार्वजनिक कार्य में लग जाता,
कोई ना कोई सार्वजनिक शिक्षा था, चाहे मंदिर बना ले और चाहे यूनिवर्सिटी बना ले, चाहे कोई स्कूल बना ले, सार्वजनिक कार्य में हमेशा। तो आज का जो अपना यहाँ पूजन है, असल में लक्ष्मी का पूजन मानती हूँ। ये लक्ष्मी का पूजन कैसे होना चाहिए इस मामले में लोगों को पता नहीं कि जब हम लक्ष्मी को चाहते हैं तो उसके साथ साथ क्या चीजें चाहिए। इसलिए आज का पूजन लक्ष्मी पूजन है और इस फैक्ट्री में लक्ष्मी पूजन हो ये अच्छी बात। सबसे तो पहले लक्ष्मी जी की आकृति के बारे में मैंने एक बार बताया और फिर मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी में पहले सबसे पहली चीज ये है, उसका जो रूप बनाया हुआ है वो ऐसा है कि जिससे बहुत सीखना। पहले तो ये कि जब लक्ष्मी स्वरूप आप देखा जाए तो उसके अंदर पहले उनका दो हाथों में कमल का होना देखा जाए, वो भी गुलाबी रंग के कमल, वो स्वयं गुलाबी या सफेद वस्त्र पहने हो। गुलाबी वस्त्र का मतलब है कि प्रेम और सफेद का मतलब है वैराग्य। तो अधिकतर गुलाबी में ही होती है। एक आध बार मैंने उनको देखा है एक फोटो में, एक चित्र में, उनको सफेद भी पहना है, पर अधिकतर गुलाबी वस्त्र पहने होती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी जो है ये प्यार है, और जो इंसान प्यार करता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरों के हाथ में जाएगी तो लक्ष्मी अलक्ष्मी हो जाएगी। तो उनके हाथ में जो कमल के फूल है वो भी गुलाबी, और इस कमल के फूल की विशेषता ये है कि इसके अंदर वो काटने वाला भूंगा जिसके अंदर की रजाने की थे काटे होते हैं वो भी अगर आ जाए तो उसका आतिथ्य करते हैं, उनके अपने यहाँ रखते हैं, और जब पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है तो बहुत संभाल करके उसको बंद करते हैं जिससे तकलीफ न हो, और वो रात भर भूंगा वास होता है। तो पहली चीज ये है कि जिस तरह एक कमल का फूल अत्यंत सुंदर होता है, सो लक्ष्मी जी के कमल पुष्प में जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, जो एक आतिथ्य के लिए आने के लिए एक उसमें आमंत्रण है, वो चीज एक रईस आदमी में होनी चाहिए। ये बात हमने राजेश राम में देखी। मैंने कहा इतने सारे आए 400-500 और ये इसमें से कुछ लोग ज्यादा दिन रहना चाहते हैं तो तुम यहाँ क्यों रखे, वाशी में जो इतना खर्चा क्यों करोगे, 2-4 दिन और रहना चाहते हैं। उसने कहा आप सब यहाँ व्यवस्था हो गई, रहने दीजिए, क्या हो गया, हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हारा इतना पैसा खर्चा हो रहा है कुछ, उसको तो नहीं माँ बड़ी खुशी बात है ये लोग आ गए, ठीक है तुम्हारा अगर मन है तो रखो, पर खर्चा बहुत हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लोग बेकार में खर्चा, नहीं बेकार में नहीं, इससे बड़ा हमें आनंद आएगा। ये लक्ष्मीपति का लक्षण, जो लक्ष्मीपति होता है उसके अंदर आनंद आना चाहिए कि चार मेहमान हमारे घर आए, खाए, पिए आराम से। ये तो लक्ष्मी का उपयोग है। कोई आप अपने ऊपर वो नोटे लगा के तो नहीं घूमते ना, ऐसे किसी गधे को नोट लगा दो और घूमे वो लक्ष्मीपति हो जाए। ये पहला लक्षण के आप अत्यंत प्रेम से चाहते हैं कि लोग आए और हमारे लक्ष्मी तत्व में समाए और उसमें मजा उठाए, बड़ी मारी ऐसा सागर दिल होना चाहिए, और तभी लक्ष्मी ठहरती है। नहीं तो लक्ष्मी तो भाग गई। जैसे कोई आदमी है बड़ा कंजूस, उसके किसी तरह से पैसे निकल जाएंगे। हमने बहुत लाइफ में ऐसे लोग देखे, बड़े कंजूस महाकंजूस और इतनी बेवकूफी में आए, और अभी जो अपने यहाँ 2-4 स्कैम हुए हैं उसमें सब कंजूस लोगों ने पैसे लगाए थे, वो ऐसे जगह जाएंगे जहाँ गलत होता है, जहाँ पैसा बना है। दूसरी बात ये है कि किसी पास पैसा आ जाता है तो कंजूस होगा तो बिल्कुल भिखारी के जैसे रहेगा, उसके यहाँ तो कंबल भी मिला और इतना पैसा जुटा के जाएगा और जब बनेगा तो उसके बच्चे आपस में लड़ मर के वो खराब कर देंगे, या अगर बाप का जूस होगा तो बच्चे उसके पैसे उड़ाते रहेंगे। हर तरह की आफत होती है अगर आपके पास लक्ष्मी आए और आप पे गुण ना हो कि उसको आप स्वीकार करें, उसको उसी शोभा
अरे आपने लक्ष्मी की शोभा नहीं रखी तो लक्ष्मी ऐसे बह जाती है। आप किसी भी गरीब आदमी 100 रुपए लेकर देखिए, वो जाएगा रुत्ते पर जाए शराब, उसको कभी अच्छी बात नहीं सुनेगी। चलो कोई अच्छा कर्म कर, कोई अच्छी बात करे, कोई देवी देवताओं की बात करें, कुछ धर्म की बात करें, या कोई धर्म के बारे में लिखे, या कोई घर लेखक हो तो उसकी मदद करें, ये सब नहीं आना। सो हर तरह के गलत काम की तरफ लक्ष्मी की दौड़ हो जाती, उसका कारण है लक्ष्मी की महामाया। जिसको मिल जाए वो गलत रास्ते पे जाए। पहले गलत रास्ते पे जाने का ज्यादा अंदेशा है, बनाए कि अच्छे मार्ग पे जाए या किसी अच्छा काम। तो लक्ष्मी के लिए लिखा गया है कि एक हाथ से वो दान दान। अब दान किसको देना है वो भी लिखना चाहिए, सत्पात्री दान देना चाहिए, नहीं तो किसी दुष्ट गुरु को आपने दान दिए, बस वो एक को खराब कर देगा, 10 लोगों को खराब कर देगा। सत्पात्र में दान देना। और जो लक्ष्मीपति होता है वो कभी किसी से पैसा ही नहीं लेता कि भाई तू इतना पैसा मुझे दे, ये नहीं तो ऐसा कर, ऐसे नहीं करता। हाँ, जो उसका हक का है वो लेगा, बस बेहक नहीं लेगा। तो उसके अंदर दान की शक्ति होनी चाहिए। और इस फैक्ट्री के लिए खासकर मैंने राजेश से बताया कि इसको सबको एक फैमिली समझ के और तुम बढ़ा, जिसको जो देना देना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो दान जो है ये बहुत जरूरी है, पर वो दान कहाँ कर रहे हैं ये देखना चाहिए। बेकार चीजों में दान करना आप सबसे बड़ी गलती समझे, क्योंकि उसमें गलत चीजें जो है बढ़ेंगी। जितना आप पैसा गलत लोगों को देंगे, जैसे हरे रामा वालों को किसी ने दान दे दिया तो वो सबने, अब उसका क्या करें, तो सबको हरे रामा बनाने में रस्ते में लोग नाच रहे हैं, कहीं कुछ सबके थ्रोट खराब हो रहे हैं, किसी से कैंसर हो रहा है। पहले सोच लेना चाहिए किसको आप दान दे, जिससे कोई अच्छा काम हो ऐसी जगह दान देना चाहिए। पहले पता लगाना चाहिए कि कौन सी संस्था ठीक कार्य कर रही है, उसकी व्यवस्था क्या है। अभी ये भूकंप के लिए हमने भी बहुत पैसा दिया, हम लंदन में और लोगों ने दिया। आप लोग कह रहे कि भूकंप के लोग तो जैसे कि वैसे ही है, वो पैसा गया। तो जो भूकंप के लिए भी दान दिया वो भी पता नहीं भूकंप में गड़प हो गया ठीक है। ऐसी हालात में हमेशा सोच के देना चाहिए कि हम जहाँ दे रहे हैं, और जहां दे रहे हैं उसको, उस दान को देखना चाहिए कि वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं, उसके कमिटी पे कौन लोग हैं। ऐसे ही लोगों को दान दे। और ऐसे आदमी को अच्छा भी नहीं लगेगा, सामने भूखा बैठा हुआ और आप अपने आराम से खा रहे हैं, उसके सामने खाना जाएगा ही नहीं आप। तो दान का मतलब ये भी होता है कि जो अपनी खुशियां हैं उनको बांट लेना, जो कुछ हमको मिला है उसे बांट लेना। और दूसरी उनकी और एक विशेष बात है कि वो सबको आश्रय देती है। ऐसा आश्रय, सब अपने आश्रित लोग हैं जो अपने यहाँ काम करते हैं, जिनसे हमारे सब चीजें चलती हैं, इन सब चीजों को आश्रय दे। वो भी आश्रय देते वक्त उसका सौजन्य होना चाहिए। ये नहीं कि आश्रय देते वक्त तेरे को इतने पैसे दिए तो ऐसा वैसा, अपने घर में नौकर चाकर हैं या खेतों में जो काम करने वाले आपके लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जहाँ भी है, उन सबका मान रख के उनको आश्रय देना। आश्रय का मतलब पैसे देना ही नहीं, लेकिन उनको मान से रखना। और मान बहुत बड़ी चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप मान दे दें तो बहुत खुश होते। हमारे पति आप जानते हैं सिविल कॉर्पोरेशन में थे, और बंगाल के जो यूनियन वाले थे वो जरा सता रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम मुझसे कह दो कि मैंने उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया। तो जब आए मुंबई तो उनको ब्रेकफास्ट पे बुला लिया, और मैंने खुद अपने हाथ से खाना वाना बना कर उस दिन से उनकी अकल ही दुरुस्त हो गई। या तो खाने नहीं जाके कुछ कर दिया कि क्या, बिल्कुल ठीक हो।
फिर उन्होंने जिद करी कि हमारे जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन माता जी करें। तब मैं माता जी भी उनको बुलाइए, उन्हीं से कराएंगे और कैसे। अब मेरे भाभी जी कहते थे अब इसी में उनको मान हो गया। उनके जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहा माँ आप जब आएंगी यहाँ तो एक कप चाय जरूर मैं यहाँ पी सुना। कहा ठीक है, मैंने ही उनके घर जाकर एक कप चाय पी। उसका एक बंगाली मिठाई बिठाई दी थी और बहुत उनकी घर में सब पहले तो बंगाली लगती है, ये बहुत खुश हो गए। और उस दिन से उनका भी झगड़ा पूरा खत्म। सो किसी को मान देने से झगड़े खत्म हो जाते। उसको लगता है इतना मेरा मान गया, मैं कैसे इसका अपमान करूं। तो एक तरीका जीतने का है उस आदमी को मान दीजिए, आर्टिफिशियल नहीं रियली मन से उसको मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये खास चीज आपको समझिए कि कोई सी भी व्यवहार में अगर आप मान देना। अब जैसे आपसे बताएं या महाराष्ट्र के लोगों को तो इसीलिए बिजनेस नहीं आता क्योंकि ये लोग फड़ाक फड़ाक बोल देंगे कुछ लोगों। जैसे पूना में नौ है तो आप जाइए, मैंने पूछा एक महाराष्ट्र से भी तुम्हारे पास चंदेरी साड़ी है क्यों सी चाहिए बाहर से। कहा गुलाबी गुलाबी रंग की है। नहीं है, जाओ चलो आगे चलो, कह दिए महाराष्ट्र लोग। ये क्या बिजनेस है? दूसरा उधर सिंधी बैठा था, सिंधी का माता जी आओ बहन जी आओ सारे रिश्ते लगा के मुझे अंदर बोला। तुम्हारे पास चंदेरी है? हाँ है, बैठो तो सही, चाय पियो पान खाओ। तो मैं पानी खाती। अच्छा चलो क्या करते, ये लो वो लो, एक घंटा बिठा। और उनके पास ना चंदेरी साड़ी थी कुछ नहीं था, चार पांच उनके सूट लेंट लेकर मैं बाहर निकली, इनसे पीछा चुना। समझे ना? और फिर अगर कोई मारवाड़ी हो तो आपके गले में कंठी पहना देगा, तब आप निकलेंगे। तो इसे सोचना ये चाहिए कि मनुष्य के अपमान करने से, उसको ऐसी वैसी बातें सुनाने से आपका बिजनेस कैसे, लक्ष्मी कैसे चलेगी? लक्ष्मी तो बिल्कुल प्यार है। और जो आदमी प्यार से बात करेगा, आओ जी बैठो जी, हाँ खाओ जी, ये वो, ये रोज का अनुभव, ये रोज का अनुभव है। हमारे यहाँ एक लखनऊ में है हलवाई साहब, बड़े बहुत उनका नाम है राम भरोस, वो बहुत ही मशहूर हलवाई है। जैसे मेरे लड़की ससुराल जाना था, उन्हें जाकर मिठाई खरीदा। हाँ आओ आओ बैठो बैठो, ये वो, अरे ये फलानी चीज आपने खाई नहीं, खा कर मैंने देना भी नहीं था, जबरदस्ती 14 किलो मिठाई मेरे साथ बांध। हमारे कहे प्लेन से जाएगी कैसे? मैंने कहा अभी प्लेन छूट रहा नहीं है, अभी बैठो अभी मैं फोन करता। मिठाई गया, उन्होंने 14 किलो मेरे पकड़वा। और उनकी बड़ी चलती है, उनका इतना नाम है दुनिया में, लोग जाके घंटों बैठे हैं। तो कोई कह रहा था आप क्या माता जी बैठे हैं, हम तो 2 घंटे बैठे हैं, हमें ये खिला रहा है वो खिला रहा है वो। और अपने कारीगर को डांटा है कितने देर से बैठे हैं, उनको जाने का है, लाओ उनको डांटे जाए और इधर खिलाया जाए। और इतने प्यार से वो करता है, अच्छा ये देखिए इसको इधर से तोड़ के लीजिए। तो मनुष्य को लगता है कि भाई इसके प्यार का अपमान कैसे। तो सबसे बड़ी चीज है लक्ष्मी तत्व में प्यार। अगर जहाँ प्यार नहीं होता लक्ष्मी भाग जाए। कोई हस्बैंड है समझ लीजिए, बहुत रही सब लोग समझते हैं अपनी बीवी पैसा ना दे, कुछ न करे, थोड़ी देर में ऐसी गदा उस पर आती है कि सब पैसा खराब। मुझे बहुत मालूम। तो इस प्रकार लक्ष्मी तत्व को बहुत प्रैक्टिकल चीज समझिए, बहुत प्रैक्टिकल। ये मटेरियलिज्म नहीं है, ये प्यार। प्यार और मटेरियलिज्म में बड़ा ही अंतर। मटेरियलिज्म में मनुष्य अपने लिए पैसा कमाता है, अपने लिए कमाता है, अपने घर में रहता है और उसको फिर एक उसका लाइफ स्टाइल हो जाता है। वो बेवकूफी है सारी, किसी ने कुछ निकाल लिया वही लाइफ स्टाइल हो गया, किसी ने कोई फैशन निकाल ली वही फैशन हो गया। जैसे अपने यहाँ आजकल मैंने सुना कि लड़कियां हैं बस शीशे के सामने बैठी रहे। शीशे के सामने कहां बैठी रहे, सजाती रहती है अपने को, ये वो किसी ने निकाल दिया कि मुंह में ये चीज लगाने से अच्छा होगा, वो चीज लगाने से अच्छा होगा। तो बैठे हैं घंटों में बैठे हैं अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उनका तो लाइफ स्टाइल और भी खराब।
वो तो उनको बच्चे नहीं चाहिए, औरतें कहती कि हमारा फिर मेकअप का भी पैसा नहीं निकले, इसलिए हमको बच्चे नहीं चाहिए, हमको सजावट का पैसा नहीं, इसलिए बच्चे नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तान में औरतें जो है वो जेवर जरूर बनवाती है, जेवर बनवाना जरूरी भी है क्योंकि कल कोई आफत आ जाए तो भी जेवर काम आएंगे, वो बच्चों के लिए होते हैं सब। पर कोई औरत ऐसा नहीं कहती हिंदुस्तान में कि भाई मैं बच्चे नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मैं जेवर नहीं बनवा सकता। बच्चे जेवर वेवर सारी दुनिया से ऊंची चीज है आज तक भारतवर्ष, आज तक, अब आगे का पता है। वहां तो बच्चों का इंश्योरेंस नहीं करते, मुझे किसी ने बताया, क्योंकि बच्चे माँ बाप को मार डालेंगे। क्या देश है? कंपल्सरी कि वो बच्चे मार डालेंगे, पैसा ले लेंगे, इसलिए वहां इंश्योरेंस ही लेंगे। ये कौन सा लक्ष्मी तत्व है? और हमारे यहाँ जैसे रिवाज है, था मतलब या है, अभी मुझे ऐसी आशा है कि अभी है, तो क्या रिवाज है कि बच्चों के लिए करो, बच्चों के लिए करो। ये मिस्टर लोग भी पैसा खाते हैं, बच्चों के लिए खाते हैं, मतलब ये कि अति है कि वो मेरा बच्चा ऐसा, उसकी शादी कराने की इतना पैसा दो, ये दो वो दो, उसके लिए पैसा खाते रहते बच्चों के लिए। वो भी बड़ा स्वार्थी बना है बच्चों के लिए खाते हैं, अनदर एक्सट्रीम जिसको कहते। पर सबसे बड़ी बात बच्चों को पाने की है, उनको प्यार, उसको इससे बड़ी घबराहट होती है कि कहीं माँ से मेरा प्यार ना छूट जाए। या आप लोगों का भी हाल है हमारे साथ कि कहीं माँ हमसे नाराज नहीं होती, इतनी प्यार की महिमा है। तो लक्ष्मी तत्व जो है वो प्यार, और ये मटेरियलिज्म जो है ये प्यार को काटता। बीबी है वो सोचती है कैसे मैं डिवोर्स लूं, क्या हस्बैंड को कैसे ठिकाने लगाऊं, हस्बैंड सोचता है बीबी का पैसा कैसे संभालूं, प्यार की कोई बात ही नहीं सोचता, सब पैसे ही पैसे की बात सोचते हैं, सब पैसा ओरिएंटेड लोग हैं। कोई ये चाहिए कि ये शादी से क्या होगा, ये बच्चों से क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये होगा। और प्यार जो है इस जड़ को, इस मैटर को कैसे इस्तेमाल करता है, जैसे कि आप उससे प्यार, तो आप कर कह सकते हैं कुछ नहीं, नमस्ते कर लिया, फूल दे दिए, फिर मन नहीं माना, माए एक हम आपके लिए साड़ी लाए, आप ले लीजिए एक, बस एक, हमेशा के लिए एक ही, बस एक ले लीजिए कृपया। अरे भाई मेरे पास इतनी साड़ियां हैं, तू क्यों ला? नहीं माँ बड़े इसे लाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं। अरे मेरे इतना ज्यादा करेंगे कि मैं बाबा दे दो साड़ी दे दो, चलो तो कभी कुछ तो कभी कुछ। माँ ये हम खास अपने हाथ से बुन के लाए हैं आपके लिए शॉल, रे बाबा शॉल इतनी ज्यादा है, मेरे शॉलों से भर गई, पर हमने तो अपने हाथ से बुनी, हमने अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी की है ये चीज, इतने प्यार से कैसे मना करे थे, मेरे आंखों में आंसू आते हैं मना करते, पर वो मैं नहीं लेती हूँ, करूँ क्या? अभी मैं इनसे कहती हूँ मैं रखूँ का, अभी एक घर बनाया, अभी दूसरा घर बनाना पड़ेगा, वो गोडाउन बना दिया मैंने उस घर। अब किसी को बोलोगे नहीं तो वो इतने दुखी हो जाएंगे कि पता नहीं क्या, रोते ही जाएंगे, माने लिया ही नहीं, माने लिया नहीं। अरे भाई अब क्या करना लेकर, प्यार बांटने के लिए ये मैटर। अब जैसे ये फूल लगा दिए, ये ऊपर से छत लगा दिया, ये सजावट कर दी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे भी सब हो सकता, पर ये अपना प्यार कैसा दिखाए माँ के? कोई हमारे यहाँ उत्सव होता है, कोई भी चीज होती है, तो हम लोग उसमें अपना प्यार जताने के लिए ना जाने क्या क्या चीजें करते रहते। मैं पोलैंड गई थी तो दो तीन बार गई, तीन चार बार, तो आप लोगों के लिए वही चीजें कुछ कर लेती हूँ। तो बोले ये वहां की औरत कहने लगी कि आप बहुत नोबल हैं, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या कहें मैं? मैंने आप हमेशा दूसरों के लिए खरीदते हैं, अपने लिए कुछ खरीदते हैं? मैंने कहा मेरे पास बहुत पड़ा है, तो वही बेच डालो, अभी बहुत आ रहा है। इस तरह से समझ आ जाता है कि दान बहुत बड़ी चीज, और हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो तो बड़े दानी थे। एक राम बहादुर डी लक्ष्मी नारायण करके थे, तो शायद वो मारवाड़ी थे, लेकिन बहुत रही, तो उन्होंने एक लड़की को पाला था,
तो कुछ लोग लालची लोगों ने सोचा इस लड़की शायद करा रहे पहुंचे, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने सारा पैसा मेरी यूनिवर्सिटी को दिया है, इस लड़की की शादी में सर्वसाधारण शादी में करने वाला बात है ना, कोई उस लड़की शादी करने तैयार, वो सुंदर थी बहुत मुनी थी और उसको बहुत सारी चीजें आती थी, पर नहीं इनकी लड़की से हम शादी करने आए थे, तो ये तो कुछ हमको पैसा नहीं देने वाले, तो बात है, तो उन्होंने कहा जिसको पैसे के लिए इसे शादी करे उसे मैं शादी नहीं करने वाला। इस प्रकार ये जो मटेरियलिज्म है आज हमें बड़ी पूरी तरह से चेक कर रहा है, और इन लोगों से सीखना ये है कि ये किस गर्त में गए इस मटेरियलिज्म, वो खोपड़ी में चला गया, उसे सारी गंदगी सारी बुराइयां सब चीज आ गई, पैसा आया, अब अमेरिका गए थे, एक बड़ा पैसे वाला आदमी, उसने कहा कि भाई माँ पाए बड़ा अच्छा हुआ ये वो मेरे घर में चले, अच्छा भाई उसके घर गए, कहने लगा कि हमारा जो बाथरूम है उससे जरा बच के रही, मैंने कहा क्यों, उसमें सब बड़े सॉफ्ट बटन, अच्छा क्या होता है, कहने अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो आप सीधे स्विमिंग पूल में चले जाए, ये तो बड़ी कठिन, तो मैंने कहा भाई उसको ऐसे बाथरूम में ले जाना कोई सीधा साधा नहीं तुम्हारे पास, तो कहने नहीं बहुत अच्छा है, मैंने बड़ा रुपया खर्च किया इस पर, ये मेरी सारी यूनिक डिस्कवरी है, मैंने कहा भैया तुम्हारी डिस्कवरी तुम्हारे पास रखो, मुझे ऐसे बाथरूम की आदत है, कोई सीधा साधा बाल्टी वाला बाथरूम हो वहाँ पे भेज दो, तो दूसरे फिर कहने लगे कि मेरा बेड एक स्पेशल, मैंने कहा क्या, ये बटन दबाओ तो आपके सर ऊपर हो जाएंगे, ये बटन दबाओ तो पैर ऊपर हो जाएंगे, मैंने कहा मुझको ऐसा पलंग नहीं चाहिए, मैं आराम से सोना चाहती हूँ कि हाथ पैर ऊपर करती हूँ, ये क्या बेवकूफी बात, अरे मैंने इतना रुपया खर्च करके और आपके लिए बेड बनाया, मेरे लिए मुझे आप जमीन पर दीजिए, मैंने कहा सीधे सीधे मैं जमीन पर सो जाती हूँ चाहे तो कारपेट पर, मैं नहीं ऐसे पलंग पे सोने वाली जिसमें सर ऊपर होता है पैर ऊपर होता है घुटने ऊपर होता है, मेरा मेरे क्या सब हाथ पैर क्या एकदम वो गए क्या बेकाबू हो गए कि मैं कोई और चीज को इस्तेमाल करूँ, और वो कहे बेड सॉफ्ट है उसके ये बस ये छोटा सा बटन, मैं देख के भागी, मैंने कहा भैया मैं जा रही इस घर में नहीं रह आप, तो मोटर में कहता है कि मोटर जो है इसके सारे लॉक से अलग से लगा है, मैंने कहा क्या, कहने उल्टे लगे हैं अगर खोलना तो उल्टी तरफ से खोलना, मैंने कहा कोई अगर फंस गया तो फंस गया, उसको कहा मैंने तुम्हारा दिमाग उल्टा है, उसके लिए हजारों रुपए खर्च करके उसे उल्टे वाले लॉक लगा, अब उसको इम्प्रेशन पड़ने की जगह मैं भागी, मैंने कहा नमस्कार यहाँ कोई नॉर्मल जगह हो मुझे जाने, इसी प्रकार उनका पैसा कहाँ रह जाता है, अब दिखाते फिरते हैं हमारा ही अलग है, अरे मैंने कहा भाई लॉक में अलग करने क्या जरूरत है, एक जैसे ही लॉक रखो, इसमें शान दिखाने का नहीं, ये मैंने स्पेशल बनवाया इसमें ये डिवाइस है उसमें वो डिवाइस, और अंदर चोरी करने को कुछ नहीं, मैंने कहा तुम्हारे पास ये पलंग कौन उठा ले जाएगा, पागल होगा भी ले जाएगा, तो कहने बात ये है माँ मैंने बहुत ऐसा ऐसा रुपया खर्च किया है इन्वेस्टमेंट किया है इस तरह से, और मेरे पास कोई खास पैसा नहीं तो चोर चाय को आएगा, तो ठीक है कौन चोर आने चला पागल भी नहीं आएगा, तो इधर कारण ये कि सारा पैसा फालतू चीजों में खर्च कर, तो वो जो लक्ष्मी तत्व का विजडम है वो होना चाहिए कि भाई जहाँ खर्च कर रहा वहां तैयार, और जहां नहीं खर्च कर रहा वहां नहीं, इसमें कंजूसी की कोई बात, आज एक शरद चंद्र की बात आ रहा है, मैं शरद चंद्र को दुनिया में सबसे बड़ा लेखक समझती हूँ, इससे बढ़ के लेखक मैंने देखा है, और हिंदुस्तानी चरित्र को जैसा उसने रचा है ऐसा तो कोई रच भी नहीं सकता, क्योंकि ये चरित्र भी बहुत जबरदस्त है ना हिंदुस्तानी, तो उन्होंने बहुत सुंदरता से बनाया, एक उन्होंने बनाया कि कुछ बच्चे थे वो अपने यहाँ कोई लाइब्रेरी वाइब्रेरी बनाने का बहाना करके पैसे कमा रहे, तो वो इस आदमी एक आदमी के पास गंगा पार करके गए और उसे कहा कि साहब हम लाइब्रेरी बना रहे हैं हमारे लिए कुछ डोनेशन दीजिए कुछ दान, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो दान चाहिए मैं सोचता हूँ बिठा, इतने में एक विधवा स्त्री अपने भाई को लेके आए, कह लेंगे कि 10-12 साल पहले मेरे पति ने आपके पास पैसे रखाए थे 500 रुपये, तो वो उसके बाद मर गए और अब हमें पता हो कि आपके पास रुपए रखाए हैं,
तो आप वो पता कर लीजिए। तो अपने मुश्किल से भी पता लगाओ, 10-12 साल पहले की फाइल्स पर पता लगाओ, फिर सिर्फ 500 रुपए मेरे पास रखना। और इसे कहा चवन नहीं देगी, जा तुम लोग जाओ, चवन नहीं बहुत है तुम्हारे। इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि चवन नहीं हमको लेके जा रहा। पर उन्होंने पूरा पता लगाया कि उस औरत का पैसा वहां रखा हुआ था, वो रखा था, वो ब्याज जोड़ के इन लड़कों के सामने दिया, तब इनके चक्कर आए। देखो हजारों इसने रुपए बना करके दिए 500 के, और हमको चवनी पकड़वा दी। तो ये आदमी समझ गया कि हम लोग कितने गहरे पानी। और उस औरत का इतना नहीं कहता तो कौन उसको पकड़ रहा था? कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसका कोई कहीं प्रूफ नहीं था कायदे में, तो कुछ नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने उसका सारा पता लगा के कितना रुपया हुआ, क्या हुआ, और सब कुछ करके उसका पैसा वापस कर, कि हमको ऐसे किसी पैसे नहीं। ये लोग चक्कर में आ गए कि ये क्या चरित्र है, देखो कि हजारों रुपए इस आदमी को दे दिए 500 रुपए के, और हमको चवनी पकड़वा दे। सब नीचे गर्दन करते हैं। सर ईश्वर चंद्र की लीला है, इस तरह से वो जिस तरह से लेते थे। पर मेरे ऊपर इतना मार्मिक उसका असर हुआ कि जो अच्छी बात है, जो धार्मिक बात है, जो लक्ष्मी तत्व की बात है, वो करना चाहिए। ये अपने चार लड़के उठ के उचक के चले आए कि लाओ हमको पैसे दो, उनको पैसा देना तो अपात्र विधान है। लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा हो ना तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती है, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का। और दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपए भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग घूमता ही रहता, पता नहीं कैसे। अब गीता कहती है चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं नहीं घूमता ही नहीं, जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहजोग्रता होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस करो। लक्ष्मी तत्व में उधार ही बहुत सारा, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए। तो एक एक पैसा उसका छुपा देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब होगा। बहुत से लोगों को ये भी आदत है अपने से पुछवा 1/2 रुपया रोक, बहुत गलत बात, कभी नहीं रोक। हाँ काम पूरा होने पर पूरा पैसा दे देते, एक तरह की ये अपने व्यक्तित्व की ईमानदार। कम से कम इतना सहयोग में आना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी है, जिसका पैसा लिया है वो वापस कर दे। दूसरे दान के बारे में भी अपने को ये नहीं सोचा है, मैंने तेरे को इतना दान दिया, मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये सोचा कि आपका ध्यान हो गया व्यर्थ दान। हम अपने पिता के एक हिस्सा सुना कि उनकी आदत थी कि हर संडे को वो कंबल नहीं तो टॉवल से तो चदरे नहीं तो ऐसी चीजें बांट, बहुत से लोग आते थे लगातार लाइन, और ये दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या करते हैं आप लोग, दो दो तीन तीन चीज ले जा रहे हैं आप, आखिरी चेक करके दे रहे हैं। तो भाई देने वाला देता है और मैं बीच में खड़ा, उसको क्या, जो देने वाला वही देखे, दो चीज है चाहे तीन चीज है, जो ले जाना ले जाए, उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो देने को लाया हूँ। ये तो देने वालों को देखना चाहिए कि देना क्या है और किस चीज को देना। मैं तो आखिरी चेक करके इसलिए खड़ा हूँ, ये सब लोग मुझको ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो मेरी तो आखिरी। ऐसे ऐसे बड़े लोग हमने देखे। मैंने अभी कल परसों के कस्टमर सुनाया कि हमारे घर में सब दरवाजे खुले रहते थे हमेशा, जब तक मेरी शादी हुई सारे घर के दरवाजे खुले रहे। फादर कहते थे अपने यहाँ कौन चोरी भी कर देता है, एक सिर्फ चोरी हुई तो एक आदमी आया ग्रामाफोन उठा के ले। तो फादर सवेरे उठ के कहते अरे बड़ी दुख की बात है, सिर्फ ग्रामाफोन ले गया, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे बजाएगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा रिकॉर्ड। तो बड़ा उनको उठा, तुम्हारे तंग आते थे अच्छा पेपर में दे दो, तुमने यह रिकॉर्ड रखा है तो आकर अपने रिकॉर्ड से। कहें हम तो ग्रामोफोन कल खरीद ही सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते, वो कहाँ से खरीदेगा। अरे चोरी की परवाह, कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं ले गया, अब वो बजाएगा क्या, अभी कोई तो भी संगीत का शौकीन है जो ग्रामोफोन ले, तो अभी बजाएगा क्या। और बाकायदा मतलब उनका यही लगा रहा कि अगर वो आ जाए तो उसको रिकॉर्ड दे देना, और वो आया ही नहीं कभी, और उनको ये लगा रहा कि बजाया कैसे बजा रहा होगा। इस तरह के लोग हमने देखे हैं, बहुत
और कभी उनको दिक्कत नहीं, पैसे कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी तरह परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जैसे इलेक्शन में उनको खड़ा होने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने लिखा तो उनका कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं खड़ा हूँ। तो मैंने 3,000 रुपये भेजे उनसे, तो उन्होंने वापस किए कि अगर 3,000 रुपये दे करके और मुझे अपने जीतना है तो मुझे लीजिए, मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा, वैसे ही खड़ा खड़े हो गए। तो जीत तो गए ही, पर तो उनकी राइवल है, उनके सारे विचारों के जमीन जो पैसे थे वो सारे जब्त। तो जिन्होंने इतना देश का कार्य किया है, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, जिन्होंने सबकी सेवा करी, वो रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत है? लक्ष्मी तत्व ही नहीं ना उनके अंदर, असलियत नहीं है। अभी आजकल के ये जो आए हुए हैं इलेक्शन वाले लोग, इनके पास है क्या? इनके पास कोई सेवा भाव है कि कोई बड़प्पन है कि कुछ है? नहीं, इनके आ गए और पूंजे अपने और वो कहते हैं कि तुम तो पैसा लागत लगा रहे हैं, हम 10 लाख लगाएंगे तो 25 लाख कमाए। लगाने की जरूरत इसलिए कि आपकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। समझ लीजिए कल मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरे को 1 करोड़ लगाने की जरूरत है ना बात। तो ये जो लोग हैं ऐसे जिन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। और पूछना चाहिए तुमने कौन सा सोशल वर्क किया है, क्या काम किया, तुमको क्यों दिया है? जब लक्ष्मी तत्व तो अपने देश में असलियत में उतरेगा तो हम सारे दोषों से ऊंचा हो सकते। इस मामले में हम जरूर कहेंगे कि रशिया में है, रशिया के लोग बड़े धैर्य वाले, धैर्य है। अभी एक लड़की आई थी, उसको गाना यहाँ सिखा लेना, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी करा देते हैं। कहती नहीं माँ, मैं इसके लिए कोई कन्वीनियंस नहीं ढूंढना चाहती, मुझे अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहूंगी और नहीं मिलेगी तो रशिया चलेगा। इस शादी का कन्वीनियंस करके मुझे नहीं सीखने का संगीत, क्योंकि संगीत सीखना एक आराधना है। मैं सुन के दंग हो गई कि ये रशिया की लड़की मेरे को बता रही है, जो कि कितने दिन से मैं सुनने के लिए लालायित हूँ, कि आराधना है। इस आराधना के लिए मैं शादी का कन्वीनियंस नहीं ले रहा। छोटी सी लड़की 18 साल की है, उसे ऐसी बात नहीं। ऐसे इन लोगों में कहां से ये देह ये वादा है, क्योंकि वहां मटेरियलिज्म है ही नहीं, तो उसको आकर ही मटेरियल। वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे जो जो फ्लैट है तुमको हम दे देते हैं, तुम अपने पोजीशन में ले लो और तुमको उसको संभालना। उनका पोजीशन का क्या अर्थ है, क्या मिलता है उससे? पोजीशन में रखने से क्या मिलता, हमको लीजिए तुम ही संभालो हमारे बस का। कोई चीज मेरी है ये सोचना ही मटेरियलिज्म। और उन लोगों को देख के मैं हैरान हूँ कि किसी भी चीज की उनको परवाह। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे इतना बड़ा विचरण हो रहा है, कू हो रहा है, कैसे होगा तुम लोगों? करे वहां हम तो
अबरू अपनी है, ना ही उनको कोई इज्जत है, ना ही उनका कोई विचार है कि मेरी पत्नी है या मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है, वो कोई ऑब्जेक्शन। एक लंदन में मैंने देखा था टेलीविजन में, एक लड़की 16 साल की थी और वो नंगे नाचते थे, रही क्या करते। तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू हुआ तो उनका हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्शन है, हमको कोई ऑब्जेक्शन। अब नीति के बारे में अगर माँ बाप ही ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पेड़ पौधे करेंगे? तो गवर्नमेंट तो नहीं करती वहाँ, तुम जो करना है करो, जैसे भी रहना रहो, जैसे करना करो, जिसके साथ रहना रहो, जैसे घूमना फिरना, हमको सब हमको बस वोट दो बस, और कुछ सब गलत सलत तरीके की चीजें अलाउ करो, बस हमको नीचे से कोई मतलब नहीं, उनका प्राइवेट अफेयर है और हमको जैसे करना। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब अगर आप किसी गांव में चले जाए, लंदन में या शहर में, कहीं भी दूसरे शहर में या किसी भी गांव में इंग्लैंड के चले जाए, सबसे अच्छा घर जो होगा वो शराब खाना, सबसे अच्छा, उसका नाम पब। और अमेरिका से लोग स्पेशल आते हैं पब देखने के, ऐसे ऐसे विचित्र पब वहाँ है कि हम लोग कभी उधर जाए भी ना। ऐसे इनको क्या कहा जाए, इनके अकल को क्या कहा जाए कि एक देवी जी आए अमेरिका से तो हमसे बताने लगे, क्योंकि तो हमारा दूसरे भी संबंध है ना कि साहब यहाँ के पब आपने देखे, मैंने कहा मैंने तो काले कपड़े मेरे पास थे नहीं, सागर का चला जाता। तो लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, कोई मर गया तो कुछ नहीं हो, जाते साथ उनको पहले शैंपेन, हाँ साहब तो पीते नहीं थे, सबको शैंपेन दी। तो इसीलिए में अभी खुशियों में आप शैंपेन उड़ाइए, समझ में आता कोई मर गया तो भी शैंपेन, क्रिसमस हो तो भी शैंपेन, हर एक चीज में शैंपेन। तो उनका कि नहीं वो इसलिए कि थैंकफुलनेस टू गॉड, शैंपेन पीना चाहिए, बताइए। उसके बाद में गए वहाँ तो इनका जरा मुँह बहुत उतरा होता, अच्छा आदमी था बहुत, उसको कैंसर से मर गया, तो बहुत दुखी। अरे क्या आपकी तबीयत ही ठीक है, ऐसी ऐसी शक्ल आप जो है आपकी तबीयत है, और सब बड़े खुश खुश जा कर के उनको वहाँ सिमेट्री में ले गए। अब कह रहे हैं हाँ वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस लंच नाउ, आपके समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ, इनके कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो इनका कि साहब मुझे मेरी तो तबीयत वाकई खराब, मैं जा रहा हूँ, तो कल मैं वहीं से वापस जा रहा, घर पे नहा धो करके वो अपने बैठ गए। उनका कि ये क्या लोग होते हैं, सब बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े आदमी वहाँ पहुंचे, सब बड़े पैसे वाले, अपनी बड़ी बड़ी मोटरों में गए वहाँ जा करके लंच खाते आए, लंच स्पेशल होटल में अरेंज किया गया था, कोई मर गया तो लंच खाओ। ऐसे पागल लोगों के साथ हम बहुत रहे और सोचते हैं कि इन लोगों को कोई किसी से प्यार नहीं है और नहीं कोई धर्म,
उसका कारण है यही जड़वाद, उसे सब दर पर। और अपने भी देश में जिनके पास पैसा है वो भी लोग की सोच जा रहे हैं, इसलिए अपने को समझना चाहिए। हम सहयोगी हमको इन सबको खींचना, जो लोग इस तरह के जड़वादी लोग हैं उनको सबसे खींच। अब है आपके बच्चे डिस्को में जाते हैं, काहे को जाने की जरूरत है? अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है? कान में वाली लड़के पहनेंगे, चोटियां बनाएंगे लड़के। वहां पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चूड़ियां ले जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि नॉर्थों के यहाँ तमाम इतने सॉफ्ट होते, तो मैंने कहीं खरीदने का नहीं गया। आजकल तो लेके बड़ी चूड़ियां, मैंने कहा तो भाई पहले सब अमेरिका जा रहे हैं, वहां के आदमियों को शौक हुआ है कि चूड़ियां पहने। हमने कहा हमारे घर किसी आदमी को अगर चूड़ियां दे तो बड़ी हो जाए, तो सभ्यता अगर नहीं आ सकती, अगर मनुष्य सभ्य नहीं हो सकता तो उस लक्ष्मी तत्व का पूरा सभ्यता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य का अलंकार। ये सभ्यता होनी चाहिए, सभ्यता में बहुत बात है। अपनी सारी संस्कृति सभ्यता से बनी, हजारों वर्षों से हमारे अंदर ये बूटी गई है ये सभ्यता, और इन लोगों में आए नहीं। कोई भी बात इतने सट से कह देंगे कि पैर के जमीन खिसक है, कभी सुना ही ऐसी बात फट से कह रहे, कोई तो शर्म नहीं आती? किसी बात की शर्म? इतने बेशर्म लोग हैं। तो सभ्यता होनी है, और सभ्यता इस भारतवर्ष की मशहूर है, ये हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की कृपा से आई हुई है, और इस सभ्यता को छोड़ना नहीं। अब औरतें हैं सिगरेट पी रही, औरतें हैं शराब पी रही, औरतों में सभ्यता नहीं होगी तो आदमियों से कहां से, आदमियों में कहां से है? आदमियों को औरतों से ही सीखना होता है सभ्यता को। तो ये सारी बेशर्मी हम लोगों को लीजिए, हमारे भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति उसको सारे दुनिया में फैलाने का मेरा विचार है और फैल रही, लेकिन सहयोगियों को चाहिए कायदे से। यहाँ के जो सहयोगी है कायदे से भारतीय तरीके से रहे, और कोई भी तरह का इन लोगों से संबंध न रखे जिसमें बेशर्मी उठानी। शुरू शुरू में जब शादियां हुई थी गणपतिपुरे में, तो ये शादी तय हुई थी, ये गए अपने देहात में इधर उधर, पता नहीं क्या कर रहे थे वो देहात के, माही क्या लोग लेके आए आप। मैंने कहा यहाँ रह रहे हो शर्मो हया से रहो, और सारे आप किसी गार्डन में जाइए कहीं जाइए तो बैठे हुए, कोई शर्म कोई कहने वाला नहीं। और कभी कभी तो ऐसे अनुभव आते हैं कि मालूम है भैया ये तो दुनिया के लोगों में कोई शर्म ही नहीं। तो लक्ष्मी तत्व में अगर शर्म आया नहीं तो फिर तो उससे बढ़ के गंदी चीज और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पैसा है और पैसा लगाया बेशर्मी में तो फिर क्या बच रहा है? मनुष्य की कौन सी चीज रह जाएगी? जानवर से भी बदतर हो जाए, और वही बात हो गई है। आप लोगों को बहुत बच के रहने की जरूरत है और समझ के रहना है, अपने अपने कायदे से अपने और उन पर इसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि आपसे मिले आए हैं यहाँ पर, आपको बहुत मानते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष में आप पैदा हुए यही आपका पूर्व जन्म का बड़ा भारी वो है, और अब आप उसी पुण्य के सहारे इसके यहाँ धार्मिक है और ये लोग धार्मिक। अब अगर आप लोगों में अगर कोई ऐसा दोष आ जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ है। जिस प्रकार का भी कोई सहज हो गया तो सुना के उनसे खाने पीने के जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले, किसी से कुछ चुरा लिया, किसी का वो रख लिया, ये सब चीजें अगर सहयोग में आ जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये एक तरह से बड़ी घिनी चीज आती, उसको बड़ी घिन चढ़ती है, इतनी लो लेवल बात है। उन लोगों में जो बातें हैं वो सौष्ठ उनसे भी लो, वैसी कोई बातें करेगा आप चीजें नहीं चुनाएंगे कुछ, लेकिन आप में स्वयं महानता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस महाराष्ट्र में पैदा हो। अभी इस महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि नौकरानियां हैं, और जैसे हमारे घर में नौकरानी है,
से कभी एक पैसा नहीं उठा, जेवर नहीं कुछ, उनके लिए ईमानदारी बहुत बड़ी थी, गरीब लोग। और आजकल महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी तंगी बात चल पड़ी है वो शराब पीना। और ये महाराष्ट्र में कभी जिंदगी में शराब नहीं देखी थी पहले, जब से इंग्लैंड से आए देखते हर एक आदमी शराब पी रहा है। आप देहात में जाइए तो जैसे खटमल आके गिर जाते हैं, ऐसे ही वो आके मेरे सामने गिरते हैं। शराब 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 हर दिन, जहां भी आपको शराब दिखाई दे आप उसको बनाएंगे। इसी तरह से उसे रोकिए, उसका कुछ संकट ना करिए, उसमें करिए कि महाराष्ट्र में शराब बंद होनी चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज में आप ज्यादा पैसे देने लग रहे तो शराब पीना शुरू कर दे पहली चीज, तो जिसको जो आदमी शराब पीता है उसकी बीवी पैसे दो, या उनकी औरतों को तैयार कर, वो बेचारी वो नुकसान में आती, वो तकलीफ में आती। और शराब आपको फौरन ऐसी जगह में ले जाएगा कि वहां आपको कभी पैसा पूरा पड़ ही नहीं सकता। तो इस महाराष्ट्र के लिए भी खास चीज है कि आप शराब की बंदी करें। मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में शराब लोग पीते हैं कहीं किसी भी देहात में, कहीं भी किसी भी, इवन लखनऊ वगैरह में देखा है, यूपी में कोई नहीं, बिहार में कोई नहीं, धार्मिक लोग यहाँ तो एकदम अधर्म आ गया, इतनी शराब कोई नहीं पीता। अभी मैं नोएडा में हूँ, उसके विदेशी लोग आते हैं, और गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, इस साइड के सब आते हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास काफी पैसा है, शराब कोई नहीं पीता, कोई भी शराब पीता। ये बड़ा आश्चर्य हुआ के वहाँ एक बार प्रोग्राम किया था हमारा शेरे में, तो कहने में आपका प्रोसेशन निकालना है हमारा शेर पे, बहुत मेरोनो मेरोनो मैंने कहा था नहीं निकालना, बड़े मुश्किल से मैं मान के चल उठे। तो अपनी जीप भी तैयार की, सजा के, एक घर है वहाँ किसी का, उनके घर से निकाल चलो इसमें, मैंने कहा अब चलो अभी लोग कहे तो सो जाए, हम गए, उसमें बहुत से लोग आए, सारे गाँव के लोग आए, ये लोग आओ। शाम को लौटते वक्त हम जब नीचे पहुंचे तो देखता है कि वो वहां पर गाड़ी कुछ खराब हो गई, तो उसी घर के सामने जहाँ ये सब उसने किया था घर वाले, तो मैंने कहा जरा पता करो, उसे कहना फोन वोन करो, गाड़ी मंगाओ कुछ, या इनके पास गाड़ी मिल जाए जी। तो वो गए दो चार सजों भी देख रहे थे वहाँ, वो तो सब 25 आदमी शराब पी के दूध पड़े वहाँ, किससे कहे किससे कहे, सब दूध पड़े हुए। बोली प्रोसेशन निकालने के पीछे बहुत ये था, प्रोसेशन निकालो प्रोसेशन, और 25 आदमी वही वही आदमी वहां दूध पड़े शराब पी। ये इस देश में कुछ नहीं हो सकता महाराष्ट्र, इससे अच्छा नॉर्थ में चलो, इसलिए मैंने सब अब नॉर्थ में चीजें शुरू कर दी। यहाँ के लोग गांव में इतनी शराब पीते हैं, वहां कैसे सहयोग चलेगा। और फिर शराब पीते और बहुत लड़ाका बना करते, हर समय लड़ते रहे, शराब पी के आदमी और क्या करे, यही लड़ता है, यह लड़ाके बहुत। तो पहले तो यहाँ की शराब कम करनी चाहिए आप, और गणपति के सामने कोई अगर शराब पी के आए तो आपको अधिकार है दो चार छांटे लगा के उसको निकालो वहां से, जो भी गणपति के सामने शराब पी के आए, आप दो चार चाटे नहीं, एक ही चाटे में ठीक हो जाएगा, शक्ति का चाटा होगा। किसी भी प्रकार की ऐसी गंदी आदत, दूसरी खराब आदत जो यहाँ है वो है तंबाकू। और तंबाकू तो लक्ष्मी जी के एकदम विरोध में बैठी है, क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं। तो जो आदमी तंबाकू यहाँ खाते हैं वो जानते हैं कि वो अपने थ्रोट का क्या हाल किया जा रहा है, उनको कैंसर ऑफ थ्रोट होते रहते। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि महाराष्ट्र में इतना गरीबों में भी क्यों कैंसर ऑफ थ्रोट है। तो सब तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खा करके और हरी विठल करते करते वो जाते हैं पंडरपुर, वो श्री कृष्ण का स्थान, पांडुरंग पांडुरंग करते हुए तंबाकू। अरे वो पांडुरंग क्या करेगा तुम्हारा वाला, वो मैं तंबाकू लेके आयो, और नहीं तो बीड़ी सिगरेट, बीड़ी तो बहुत ज्यादा, ये सब आते समझ में छूट जाते। तो औरतों को ठीक करो, देहात की औरतें जो हैं वो बेचारी अभी बची हुई, वो कहती है कि हमारे हस्बैंड को ठीक होना चाहिए, उनकी संगत ना बनाओ और उनके थ्रू इनको आप ठीक कर सकते। आदमी लोगों नारायण गांव में जगह है, वहां सब सहयोगी जो है औरतें,
तो मैंने कहा अभी क्यों नहीं थे, कहने कि वो तो पान खाना है, वो तो शराब पीना। ये सब चीजें लक्ष्मी तत्व के विरोध में, क्योंकि एक बार कहते हैं बोतल घर में आई कि लक्ष्मी वाली दूसरी, कितने घर कितनी फैमिली तबाह हो गई शराब के कारण। लेकिन तो भी लोगों की अकल नहीं आती उसको, क्या लक्ष्मी तत्व के लिए अत्यंत शुद्ध आचरण गणेश जी को, जहाँ गणेश जी ठीक नहीं वहां पर क्या काम हो सकता, कुछ भी नहीं। तो महाराष्ट्र के लोग गणेश जी को तो मानते हैं, ये नहीं जानते कि गणेश जी के साथ क्या क्या चीजें करते, उनकी पूजा करने के लिए कैसा चरित्र होना चाहिए। ये सबसे तो भयंकर वही है देवता, अगर बिगड़ गए ना तो सबकी गर्दनें ठीक कर देंगे। इसलिए बहुत भक्तिभाव से बहुत नम्रतापूर्वक हमें लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। और जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश बैठते हैं, क्यों, क्योंकि गणेश जी के बगैर लक्ष्मी जी का कोई रूप ही नहीं बनता। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर अपनी नैतिकता ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो आप कहीं भी इतना भी पैसा कमाए उससे सर्वनाश ही होना है, चाहे आपका होगा चाहे आपको बच्चों का। इसलिए गणेश तत्व को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके अपने अंदर बसाना चाहिए और कायदे से रहना चाहिए। आज के लक्ष्मी तत्व पे बहुत विशेष रूप से मैंने बताया, पर इसमें जो बात बताई है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और उसमें जो आप देखें कि जो घरों में पैसा था वहां क्या हाल है, तो आप समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं वो ज्यादा ज्यादा 30-40 साल तक चलता है मामला, उसके बाद ऐसा सर्वनाश हो जाता है, समझ नहीं आता है, सब कहा नष्ट हो। आज हिंदी में इसलिए बताया कि आप लोग इस बात को समझें। आई हैव टोल्ड देम only the pangs of materials, how you people are suffering and how everything is sellable, everything becomes sellable, chastity is sellable, goodness is sellable, everything is sellable, then what happens that you just have the money so-called for a very short time and actually people are bankrupt health-wise, mentally they are really bankrupt. So this materialism is to be understood in the Lakshmi principle, which is that you should have love. Lakshmi is the personification of love. She wears always a pink sari. Pink is the representative of her loving character. So if you can turn everything to love, materialism will be finished because they are on opposite direction. And that's what I've tried to explain to them by many references here and there, how you can overcome materialism. I wish somebody could translate this and give it to the people so they can understand. But I think with vibrations it will work out better. May God bless you.